हेलो स्टूडेंट स्टूडेंटेंट टू बॉटनी ऑफ्ट क्लास की सारे सारी अपडेटमेंट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम पहले तो हमारा ना भूलें सी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और किसी जानकारी से अवजित ना रहे तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल की तो बी एस थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे आ गए हैं तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके बॉटनी प्रैक्टिकल में तो आज हम बात करेंगे बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल की बाकी अदर जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो भी हम जल्दी ही आपको बता देंगे उसके बाद में सेशन स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम के पेपर का तो जो बैक एग्जाम के पेपर हैं या फिर जो पहले पिछले साल में जो एग्जाम पेपर हुए थे उनके एग्जाम पेपर हम बताएंगे आपको जिससे कि आप पेपर में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पी चाहिए होगा आपको तो आप हमारे चैनल बॉट्टी ऑफ्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से आपको पी प्रोवाइड करा दिया जाएगा बाकी आप यहाँ से भी वीडियो को पोस्ट करके अपना स्क्रीन शॉट लेके वीडियो को आराम से लिख सकते हैं तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्या टॉपिक है तो आठों यूनिट के टॉपिक एट यूनिट आपको पता है कि आप किसी भी सेमेस्टर में जाइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी सेमेस्टर में होगा लेकिन एट यूनिट में आपकी पढ़ाई हो रही है तो आठों यूनिट से प्रैक्टिकल फाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है तो देख लीजिए आप लोग तो सबसे पहले बात करेंगे हम हरवेरियम फाइल की तो हरवेरियम क्या होता है उसका हिस्ट्री क्या है वो हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हमको देखिए आपको मैंने पहले ही बता था कि एक प्रैक्टिकल फाइल कॉमन प्रैक्टिकल फाइल होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाया जाता है बस टॉपिक चेंज होते हैं किसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने कोई टॉपिक बता दिया होता है तो कोई लेकिन बट ये कॉमन जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचना कि यही आपको ले बता दिया जाए हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों बट अगर आपको ये टॉपिक बता दी गए हों तो यहाँ से आप आराम से उसको लिख सकते हैं तो ये देखिए हमने बात की आपके अभी हरवेरियम फाइल की तो हरवेरियम फाइल के हरवेरियम कैसे बनाई जाती है उसके बारे में पूरा है पूरा ब्यौरा यहाँ से लिखा जाएगा कि हरवेरियम क्या होता है कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है क्या क्या उसका मापदंड होते हैं कागज़ के और कैसे उसको चिपकाया जाता है बाकी कैसे प्रेस किया जाता है तो ये सारे हैं उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो देखिए पहले आपको मैंने बोला था कि एक टॉपिक आप पूरा अच्छे से लिख लीजिए बाकी आपको आधा आधा अगर आपको कहीं ज़्यादा लग रहा हो तो फिर उसमें से आप कट करके भी लिख सकते हैं बट ये पूरा एक प्रोस पूरा प्रोफाइल है हरवेरियम का तो हरवेरियम के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इस हरवेरियम है इंडियन बोटिकल सर्वे के दौरान उसके बाद में हम बात करेंगे वैन्म और होकर के क्लासिफिकेशन के बारे में तो क्या ये प्राकृतिक क्लासिफिकेशन है जिसे सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ किया जाता है और ये कौन सा क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या इसके मापदंड बताए गए थे किस किस से दो बीज पत्री और एक बीज पत्री को कैसे अलग किया गया है उसके बारे में बताया गया है तो उसके यहाँ पर देखिए आप पूरा सिस्टम क्लासिफिकेशन देख लीजिए वैंता मोकर का यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उसकी ब्रांचेस हैं बीज पत्री दो बीच बत्री दो बीज बत्री, बत्री को कितने भागों में बांटा गया है ये सब कुछ ब्रांचेस के आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं ये भी आपका डायग्राम चार्ट के लिए भी ये डायग्राम अच्छा रहेगा उसके बाद हम फैमिली के बारे में बताएं तो रैनन कोलेसी तो रैनन कोलेसी फैमिली के बारे में अगर लिखना होगा हमें ये ज़्यादातर पूछी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट ये फैमिली है मालवेसी रैनन कोलेसी कोकरवेसी और सेलोनेसी ये जो फैमिली में बता रहा हूँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट तो आप लोग इनको देख लीजिए आप यहाँ पे भी बनाइए उसके साथ साथ आप याद भी कीजिए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएँ क्योंकि फैमिली तो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं तो आप देख लीजिए यहाँ से ये यह पूरा बताया गया है कि फ्लोरा क्या होता है कैलेक्स क्या है करोला क्या है एंड्रोशियम कैसे पाए जाते हैं गाइनीशियम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये सारा आप डिटेल में यहाँ से लिख सकते हैं उसके बाद में फ़्लोर फार्मूला मोस्ट है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रैंड का और ये सब यहाँ पर दिखाए फ्रूट्स गाइनीशियम ये सारे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा रैन को ले फैमिली उसके बाद में हम बात करें न्यू फैमिली तो देखिए एक और फैमिली जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है हमारी मालवेसी तो आपको पता होता है हेकस तो ये कपास है ये भी मालवेसी में ही आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली जो समझ लो क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं तो आप ये देख लीजिए और बाकी मैं बता रहा था आपको कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस इसी फैमिली से लिए जाते हैं तो ये भी आप याद रखना बाकी यहाँ से आप रूट स्टेम लीफ ठीक है इन्फ्लेंसेस पुस्क्रम लिख सकते हैं फ्लावर ये सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है तो आप आराम से डिजाइन बनाइए आप जो डायग्राम बनाने हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं और आराम से अपनी प्रैक्टिकल फाइल को पूरा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं तो देखिए साफ स्पष्ट बनाइए एंड जो भी डायग्राम बनाए ना तो फैमिली के जो आप क्लासिफिकेशन वाला पेज सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज लिखते हैं उसके आगे ही उसके सामने तो समझ रहे होंगे ना आप लोग कैसे बनाना है कि अगर आपने अपनी जैसे आप फाइल को खोले हुए हैं तो अगर आपने उल्टे हाथ पे अपना सीधे हाथ पे अपना लिखा हुआ है तो उल्टे हाथ पे अपने आपका डायग्राम होना चाहिए जस्ट उसके सामने होना चाहिए तो जिससे क्या है कि अच्छे से उसको हम देख पाते हैं और जो एग्जानवर होता है वो भी ज़्यादा इरीटेड नहीं होता कि वो बार बार पेज पलट के उसे देखे पिक्चर को फिर आपने क्या लिखा है उसके बारे में देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो कुछ एक सिस्टम सिस्टम बेग से बनाना चाहिए जिससे कि पूरा एक सही नियम से कार्य हो और अच्छा लगे फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कुकर वेटेसी तो यहाँ पे आप जानते हैं खीरा ककड़ी ये फैमिली को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और ये काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे यहाँ से तो ये मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पर कौन से कौन से देशों में सब कुछ यहाँ पे देखिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल में स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं उतनी स्पष्ट जानकारी दीजिए यहाँ पे बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है आपको फ्लोर और फार्मूला जरूर लिखना होगा रूट्स स्टैम लीफ कैसे प्रकार की पाई जाती हैं ये गाइनीशियम ओवरी ठीक है ये कैलेक्स करोला ये सारे के सारे आपको यहाँ पर रिप्रजेंट करने होंगे तो बाकी का कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ही आराम से अगर आपका पीडीएफ इसका चाहिए हो तो पीडीएफ भी ले सकते हैं बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से इसे बना सकते हैं अब देख लीजिए नेक्स्ट की बात करें तो हम देखिए ये जो फ्लावर फार्मूला का डायग्राम है ये भी काफ़ी पूछे गए थे पिछली बार भी क्वेश्चन पेपर में तो ये जरूर आते हैं तो आप फैमिली के साथ साथ इन्हें बनाना भी सीख लीजिए ठीक है उसके, बाद, उसके में, बाद में बात करें तो देखिए आपने यहाँ पे सब कुछ लिखा ही था और नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो नेक्स्ट फैमिली जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है रुबेसी तो रूवी ऐसी फैमिली के बारे में भी हम लिखेंगे जो कहाँ कहाँ पे इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कैसे कैसे क्षेत्रों में ये हो पाते हैं पौधे उनके बारे में लिखना है उसके बाद में हमें सबसे पहले देखिए लिखना आप विस्तार से लिखिए या फिर शॉर्ट एक पॉइंट वाई लिखिए लेकिन लिखना ऐसा है आपको ऐसे तो, पॉइंट बिंदुओं पर लिखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो और जिससे कि पूरी फैमिली के बारे में स्पष्ट जानकारी मिले यही हमारे फाइल बनाने का सीधा सीधा एक नियम यही होता है कि आप स्पष्ट चाहे ज़्यादा लिखिए या कम लिखिए लेकिन वो जो भी लिखिए अपना वो स्पष्ट लिखिए जिससे कि पूरी फैमिली के बारे में या फिर आपने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में पूरा का पूरा हमें क्लियर हो जाए कि क्या है और कैसे कैसे इसमें लक्षण है क्या क्या इसकी खासियत है ये सब कुछ इसमें क्लियर हो जाए ठीक है बाकी का आप ज़्यादा लिखेंगे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा था कि कम लिखिए आप जितना लिख पाएं उतना लिखिए मतलब बस जानकारी सही लिखिए बाकी इधर उधर का फालतू का गूगल पर जाकर सर्च करके मटेरियल मत लिखा कीजिए जिससे कि फाइलें आपकी बेकार हो जाएँ अगर प्रॉपर फाइल बनानी है तो आप जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आप फाइल बनाइए बहुत ही सुंदर और प्यारी फाइल बनेगी जिससे कि आपके नंबर एग्जाम में हंड्रेड परसेंट बूस्ट हो जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में आपके पता है ना आपको हंड्रेड नंबर का प्रैक्टिकल है तो वो नंबर आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल देख के भी दिए जाएंगे और बाकी आपकी जो जानकारी है प्रैक्टिकल फाइल के लिए वो भी क्योंकि चार्ट पेपर भी पूछे जाते हैं कभी कभी लोग चार्ट पेपर बना के लेके जाते हैं बच्चे तो उनसे चार्ट पेपर के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो उम्मीद यही है आपकी कि आपके समझ में आएगा कैसे आप बनाएंगे फाइल बाकी अपने दोस्तों की वीडियो सेंड कर दीजिए किससे कि वो लोग फाइल आराम से आराम से बना सकें अब देखिए यहाँ पे एमएस ऑफिस के बारे में तो कंप्यूटर का एक पार्ट है हमारे में बहुत लंबा एमएस ऑफिस एम एस वर्ड पूरा का पूरा एमएस का ही समझ लो है, इसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक्सेल भी है तो इसमें आप समझ पाएंगे कैसे इसे लिखना होगा कैसे क्या आएगा देखिए आपने लिखा होगा कितने पार्ट है यहाँ पे दस पार्टों में यहाँ पे लिखा गया है एम ऑफिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कैसे कैसे यहाँ पे पहले कैसे यूज़ किया गया था उसके बाद में कौन इसके आविष्कारक हैं कहाँ कहाँ पर इसका विधि है कैसे यूज़ किया जाता है तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा उसके बाद में कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इसमें तो कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है ही और वो आएगा भी बाकी जीपीएस टैगिंग ये भी कंप्यूटर का ही भाग है हमारा लिए एडवांस फ्यूचर देता है जैसे कि हम टैगिंग कर पाते हैं अपने प्लांट्स की और उसके बाद में फ्लोरा भी है प्लांट्स ई फ्लोरा के नाम से भी एक टॉपिक है इसमें तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए बाकी वीडियो में बस इतना ही था कि आप लोग आराम से ये वीडियो देख के अपना ये फाइल बना पाएँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहां से आपको हर चीज का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू फॉर कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट